हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इससे पहले जो मेरा किसी हॉट ड्रॉप पे सबसे हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड था वो था 22 किल, वो भी यहीं पे। सो आज उसको ब्रेक करने के लिए हम अलग अलग हॉट ड्रॉप्स पे जाएंगे। एंड फिर एट द एंड देखेंगे कि क्या हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल शुरुआत मैंने करी यसना से, क्योंकि देखो मैं हर एक चीज़ रैंडमाइज तरीके से खेल रहा हूँ। तो जो भी पहले तीन मैचों में जो भी हॉट ड्रॉप आएगा मैं उन्हीं हॉट ड्रॉप्स पे ट्राई करूँगा। हो सकता है डिफरेंट आए, और हो सकता है कि तीनों बार में यसना ही आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट क्या पता आ भी सकता है। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले तो यसना आए हैं और यहाँ ट्राई करते हैं जल्दी से। सो लास्ट जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था किसी भी हॉट ड्रॉप पे, आई थिंक वो मेरा सबसे खतरनाक वाला रिकॉर्ड है। एंड 22 किल के ऊपर करने पड़ेंगे मेरे को इसी जगह पे। तीन हो चुके हैं, अब देखते हैं यार 22 बंदे यहाँ पे हैं भी कि नहीं। देखो होने को तो होंगे, लेकिन उनको मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा अनटिल कि वो सारे के सारे मेरे ऊपर पुश कर रहे हो। सो यहाँ पे जो है अगर वो मेरे पुश नहीं कर रहे तो मेरे को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कुछ भी कर पाऊँगा। आजू बाजू मेरे बंदे ही नहीं है। जो मैच में मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था उस मैच में बंदे बहुत सारे थे मेरे आसपास में। सो कंटिन्यूसली मेरे पे रश कर रहे थे एंड मैं कंटिन्यूसली इनको मार रहा था, लेकिन इस वाले मैच में मेरे को सब बंदे जो है शायद वो मिडिल वाली बिल्डिंग्स में लग रहे हैं। एक बंदा मेरी बिल्डिंग के अंदर एंट्री करता है, इसको तो मैंने चुटकी में मार दिया, लेकिन अब मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बंदे बचे नहीं है गाइस। देखो वहाँ पे जहाँ पे मैं बंदों को मारने की ट्राई कर रहा हूँ उस जगह पे मेरे को कुछ बंदे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से वहाँ पे जा पाऊँ तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे बंदे मिलेंगे। सो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से निकलने का। फिर मेरे को एक बंदा दिखता, वो झट से आके इन छोटी छोटी बिल्डिंग्स के अंदर चला गया। सो मेरे पे नेट थी, सो वहाँ पे जाना ही क्यों जब नेट है तो, बट नेट से भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। एक नेट और बचा हुआ है, देखते हैं ट्राई कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से। अब ये जो बंदा था यार इसकी टीम थी पूरी की पूरी, और कोई जो है दूर दूर से कवर दे रहा था। फिलहाल सारे के सारे बंदे पुश करने की तैयारी में, और मैंने स्मोक डाल दिया था वहाँ नीचे, और जैसे कि मैंने कहा इनकी पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे, उल्टा मेरे को जो है बाहर से भी पड़ रही है, और इनका कोऑर्डिनेशन ही कितना ज़ीरो है। एक बंदा पुश कर रहा है स्मोक के थ्रू और दूसरा बंदा उसी जगह पे मॉली भी फेंक दिया। एंड कोई तो इनकी टीम के बाकी बचे हुए बंदे जो दूर से मेरे को मार रहे हैं। अगर ऐसे में रश होता है तो यहाँ पे मेरी चांसेस मरने के सबसे ज़्यादा हैं, तो मैं पहले ही नीचे चला जाता हूँ। तो गाइज़ उससे पहले कि ये लोग मेरे पे पुश करते, मैंने इन दोनों के ऊपर पुश करके एक एक करके मार दिया, क्योंकि मैंने सुन लिया था एक बंदा थोड़ा नीचे वाली बिल्डिंग पे है और एक बंदा टॉप स्टोरी पे है, तो टॉप स्टोरी वाले को मैंने मार दिया था। फिर नीचे वाला बंदा जैसे आया कवर देने के लिए उसको भी निपटा दिया, फिनिश कर दिया। एक बंदा और बचाओ इनका, और इसको भी निपटा दिया, फिनिश भी कर दिया। अब मेरे को समझ आया, तीन बंदे इनके मेरे ऊपर पुश कर रहे हैं और एक बंदा दूर से कवर दे रहा है। सो यहाँ पे जो किल 10 हो चुके हैं, लेकिन मेरे को जो प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ना इसी जगह पे, और वो जो 22 किल है मैंने सिर्फ 8 मिनट के अंदर किया था गाइस। तो यहाँ पे 8 मिनट से तो ज़्यादा 8 मिनट से ज़्यादा का टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है गाइस। तो 8 मिनट के अंदर तो मैं उस 22 किल के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हो सकता है मैं 8 मिनट से ज़्यादा समय लेके थोड़ा ज़्यादा किल कर दूँ, क्योंकि 22 किल के बाद मैं मर गया था वहाँ पे लास्ट मैच में। अब राइट नाउ मैं 10 किल पे ही हूँ। और यहाँ पर मैं क्या ही बचाऊँ, मतलब कुछ मिली सेकेंड का टाइम बचा था मेरे पे। अब ये टीम ना मेरे को मेरे ऊपर हावी हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे, और एक तो मैं निचाई पे था यहाँ पे, ऊपर से वो बंदे जो है मुझसे डर के भाग जाते हैं, गाड़ी उठाई भाग गए। सो मैं उनका पीछा करता हूँ, मेरे को मिलते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई और टीम मिलती है। सो जो मेरा प्लान था वहाँ पे 22 किल से ऊपर करने का, वो प्लान तो फेल हो जाता है। एंड ऊपर से ये वाला गेम में जो ये वाला क्लच है, ये भी देखो कैसे फेल होता है। खैर मैंने सोचा दूसरा मैच स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पोचिंगी के अंदर मैं 22 किल से ऊपर कर पाता हूँ कि नहीं।
बस मेरा मकसद यहाँ पे ये था, उतरो और हचक के बंदे भी लो पूरे। तो जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे रश करूँगा गाइज उतने बंदे कम होते जाएंगे, सो मेरे को बिल्कुल भी रश नहीं करना है। जैसे बंदे मारते जाऊँगा वैसे जो है टारगेट में चेंज करता जाऊँगा और आगे के आगे घुसता जाऊँगा और जो मिले सबको मारता जाऊँगा। सो मेरे को यहाँ पे 22 के ऊपर किल करने, वो भी विद इन 8 मिनट, देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रेयर ही होता है ऐसा, बट आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल ट्राई भी तो करेंगे। अब इस बार जो है किल्स की स्पीड स्लो है, लेकिन फिलहाल सिचुएशंस ठंडी है और काम है थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि बहुत बंदे मेरे पे पुश कर रहे हैं और मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं मारते जाऊँगा तो हो सकता है यहाँ पे उस तरफ फाइट हो रही है। अब मैं डिसाइड कर लेता मेरे को उधर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं रह सकते। लेकिन बीच में से क्रॉस कैसे करें, यहाँ पे कोई इन्फो है भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और इन्फो का वेट करता हूँ, क्योंकि बीच में से जाऊँगा तो बिल्कुल ऐसा हाल होगा जैसा इसका हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी जो है ये वाला मैच भी जो है फेल हो गया। सो मैं अब थर्ड टाइम ट्राई कर रहा हूँ और इस बार भी जो होटल पे वो पोचिंग की आया है, सो इस बार और तेज़ी से किल करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं बाय स्किल की नहीं। और अगर इस वीडियो में नहीं हुआ ना इस अटैम्प्ट में, तो मैं ये अटैम्प्ट ही छोड़ दूँगा। चलो गाइस 2 किल हो चुके हैं, अब जल्दी से इनको पेलते हैं। अब मेरी जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में बंदा था और एक और दिखा मेरे को ओपन में, तो 3 किल हो चुके हैं, 2 सामने हैं। अगर इन दोनों को जल्दी से मार दिया तो शायद वो वाली बिल्डिंग पे जा पाऊंगा मैं। तो मैं नेट फेंकता हूँ उनको पीछे करने के लिए और वो जैसे पीछे हुए फिर पता लगा कि नीचे भी तो हैं। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 बंदे हैं, तो क्रॉस तो नहीं कर पाऊँगा, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। बट ओपन से मारने की ट्राई करता हूँ कुछ और बंदों को। और यहाँ पे मेरे को सफलता मिलती है थोड़ी सी। अब उसको जो भी रैप करने के लिए जा रहा था उसको मैं नॉक करे जा रहा था बार बार, और रैक नॉक ना सही, डैमेज ही सही। फिलहाल यहाँ पे मैं स्प्रे करके पागल हो गया हूँ, अब आगे जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा कि इन दोनों यहाँ पे इस टीम की फाइट किसी और टीम से हो गई है। तो बस बढ़िया मौका था, घुस के पेल दिया। और शायद ऊपर एक और बंदा है, हो सकता है, जब चेक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब इन दोनों टीमों की फाइट में एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने मार दिया था। फिलहाल यहाँ पे जो है दूर जितने भी बंदे मेरे को दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ से फायर आ रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको फिनिश करने का इंस्टेंट। अब यहाँ पे मैं चूक जाता हूँ उस बंदे को फिनिश करने में, सो मैं वापस जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे मैंने उस बंदे को देखा था। अब वो 2 बार आते हैं और इस बार फिर से अगेन एक प्यारा सा 1v2 और 7 किल हो चुके हैं। बट मैं देखा यार इस बार लॉबी बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हो गई है, अब देख सकते हो सिर्फ 35 बंदे जिंदा हैं और फिर मेरा सामना होता है एक ऐसी टीम से जो बिल्कुल मेरे सामने थी। फाइनली मैंने बहुत रिस्क में आगे इस बंदे को नॉक किया जहाँ पे मैं खुद जो है फिनिश हो सकता था। मैं एक ही था ना, मैं वो मेरे को अगर मारता तो मैं डायरेक्ट फिनिश ही हो जाता, नेट भी आया सेम टाइम पे। अब उसको रिवाइव करने के लिए एक बंदा आएगा, बट मेरी हेल्थ ही काफ़ी कम थी तो मैंने हेल्थ लगाना ज़्यादा प्रायोरिटी समझा और वो बंदा इतनी देर में उसको रिवाइव दे देता है। अब 2 चांसेस थे मेरे पास, यहाँ तो मैं ओपन में रश करूँ बट तब तक वो रिवाइव हो जाता और फिर मैं यहाँ पे ओपन में फंस जाता, तो मैं रुक जाता हूँ। मेरे पे नेड भी नहीं था सो मैं वेट कर रहा था किसी न किसी प्रकार से मेरे को अगर नेड मिल जाए, इस सामने अगेन एक और नॉक मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये सब नहीं मिला लेकिन बंदे बहुत सारे थे यहाँ पे, बट 10 मिनट आई थिंक हो चुके थे तो मैंने 10 मिनट वाला टाइम पीरियड तो ख़त्म कर दिया है। आई होप मैं 22 किल तक पहुँचूँ।